प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की, सबको सलाम। प्रभु आप सबों को आशीष दे और ऐसा विश्वास करते हैं कि आप सब जन अपने अपनी जगह पर ठीक होंगे, क्योंकि हम हमेशा यही आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कामना करते हैं कि आप जहां जहां भी रहें परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहें, परमेश्वर का बलवंत हाथ आप लोगों के ऊपर बना रहे। सो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमेश्वर उन सबों को आशीष दे। जितने भी जुड़ रहे हैं परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे, उनको भी आशीषित करे। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के जीव के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और पहले सभी जन अपने सिरों को ढक लें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी और दयालु महान सामर्थ्य जिंदे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपकी दया के द्वारा हम सबों को मिला है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम अपनी मर्जी के साथ खुदावन्द एक पल भी नहीं निकाल सकते खुदावन्द, जब तक आपकी दया आपकी कृपा हमारे ऊपर ना हो। आपके रहमो करम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सुरक्षित रखा, चंगा बना रखा, तंदुरुस्त रखा, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब से हम सब तेरी आराधना करते हैं खुदावन्द, सब जन को अपने सामर्थ्य को लेकर बचाना, गाया बजाया गया खुदावन्द तेरी तरफ से होने पर खुश करने वाला हो जाए। किसी की भी मर्जी खुदावन्द पूरी ना होने पाए, सिर्फ सिर्फ तेरे परमेश्वर की मर्जी पूरी होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आज का कलाम भी हम सब की जिंदगी के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आए। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब सबको जय मसीह की और एक प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। हालेलुया। यहोवा आप संभाली तू, मेरे कदमानू तेरा हनू। यहोवा आप संभाली तू, मेरे कदमानू ते Oh,
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एंड सज्जन अपनी आंखों को फिर से बंद करेंगे, बहने अपने सिरों को झुका लें, अपने सिरों को ढक लें। आई एम फिर से प्रार्थना में जाएंगे, छोटे से लेकर बड़े तक सब प्रार्थना की हालत में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, नासर के यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरे बच्चों ने मिलजुल कर गाया बजाया खुदा, उन सबसे खुदा केवल और केवल आपके नाम को महिमा और जलाल मिले पाए, धन्यवाद प्रभु जी। अब वो समय आ चुका है जब हम आपके कलाम को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। आज का स्वर्गीय मन्ना हम सबकी सुनने वालों की जिंदगियों के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का वसीला बन जाए, और जो कुछ खुदावंत आप हमारे अंदर डालना चाहते हैं उसको डालें, जो निकालना चाहते हैं उसको निकालें, और परमेश्वर भरपूरी से खुदावंत हमारे जीवनों में आशीषों की बारिश करें परमेश्वर। और जिस मकसद के लिए आपने हमें चुना है, जिस मकसद के लिए आपने हमें बनाया है खुदावंत, वही मकसद हम सबकी जिंदगियों से पूरा होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, सारे नेटवर्क सिस्टम को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, सारी मीडिया टीम को आपके पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा जलाली नाम में कर मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को खुदावंद यीशु के नाम में फिर से जय मसीह की। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों को शांति दे, और आज का कलाम हम सबकी जिंदगियों के लिए, सुनने वालों की जिंदगियों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए। हम आज का वचन का टॉपिक जो है पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 16 और 17 है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। जी संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जी हमने वचन में क्या पढ़ा, यह पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 16 और 17 है। इसमें प्रभु का सेवक क्या कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब क्या होता है, अभिलाषा का मतलब मन की चाह, किसी चीज की लालसा, किसी चीज की कामना, या अपने मन की ही, अपने दिल ही की इच्छा। हालेलुया, ये होती है अभिलाषा। सो यहाँ पर प्रभु का दास यूहन्ना हमें संसार की अभिलाषाओं बारे बताता है कि हमें इन संसार की अभिलाषाओं से क्या रहना चाहिए, परे रहना चाहिए, यानी कि दूर रहना चाहिए, उसकी नजदीकी में हमें नहीं रहना चाहिए। सो जिन अभिलाषाओं के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण की हानि उठाई है, इन सारी अभिलाषाओं में पढ़कर जिन लोगों को बहुत ही प्रेम हो गया है, जिन लोगों को उन सारी शारीरिक अभिलाषाओं से बहुत ही मोहब्बत है, और वो चाहकर भी उन सारी अभिलाषाओं से दूर नहीं जा रहे या दूर नहीं हो रहे, ये उनकी अपनी टेंशन है। पर प्रभु का दास यूहन्ना प्रभु के लोगों को, मसीह की कलीसिया को क्या सलाह देता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड वह किसकी ओर से है। हालेलुया, वह पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। हालेलुया, जिन अभिलाषाओं को दुनिया के लोग, काफी मसीही लोग भी बहुत ही प्रेम करते हैं, उन सारी चीजों में वो रुझे रहते हैं, उन्हीं सारी चीजों में अपना वो दिमाग लगाते हैं, उन्हीं सारी चीजों में वो अपना पैसा लगाते हैं, उन्हीं सारी चीजों में अपनी वो शारीरिक जो है मेहनत लगाते हैं। सो प्रभु का दास क्या कहता है कि वे सब पिता की ओर से नहीं, यानी कि हमारे स्वर्गीय परमेश्वर जिसने इस संसार की सृष्टि की है, रचना की है, उसकी ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। और आगे प्रभु का सेवक क्या कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों ही मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह स्वर्गदा बना रहेगा। हालेलुया, सो
परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उस पर विश्वास रखें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपना सारा भरोसा जो है उस परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसकी आज्ञाओं पर मनन करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसके वचनों पर चलें। सो जो शरीर की अभिलाषा होती है, शरीर की अभिलाषा हमारी अपने दिल की जो इच्छा होती है वो पिता की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि संसार की तरफ से हमारी अपनी शारीरिक जो इच्छाएं होती हैं, जो कुछ हमारी आंखों को अच्छा लगना उसे देखना, जो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगना वो ही देखना, जो हमारे शरीर को अच्छा लगा वो ही कपड़े पहनना, हमें नींद ज्यादा पसंद है नींद को ज्यादा लेना, हमें जो खाना पीना पसंद है चाहे वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसे ही खाना। सो ऐसी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं जो हमें नरक के रास्ते पर लेके जाती हैं, प्रभु का दास कहता है कि ऐसी सारी जो इच्छाएं हैं वो क्या होती जाएंगी, मिटती जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। जो पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे स्वर्गदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलना यानी कि उसके वचनों पर चलना, उसके वचनों का पालन करना, उसके आज्ञाकारी बच्चे बनकर रहना। सो प्रभु का दास कहता है जो उसकी इच्छा पर चलेगा वे स्वर्गदा बना रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। अगर धर्मी मर भी जाएगा संसारिक रीति से, फिर भी उसकी याद, फिर भी उसका स्मरण जो है इस पृथ्वी पर बना रहेगा। हालेलुया। पर किसका स्मरण बना रहेगा? जो धर्मी होगा, जो परमेश्वर के वचनों की पालना करता होगा, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता होगा, जो परमेश्वर के वचनों पर दूसरों को चलाता होगा। वचन कहता है कि ऐसे धर्मी जन का जो है स्मरण सदा तक जो है बना रहेगा। पर संसार और संसार की सारी अभिलाषाएं हैं जो दोनों हैं मिटते जाएंगे, पर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले का वो स्वर्गदा बना रहेगा। हालेलुया। आज हम मसीह लोगों को परमेश्वर की इच्छा देखकर चलना है, अपने मन की इच्छा देखकर नहीं चलना कि मेरा मन क्या कहता है, मेरे परिवार का मन क्या कहता है, मेरा मोहल्ला क्या कहता है, बल्कि किसकी इच्छा पर चलना है? परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। चलता है वो स्वर्गदा क्या रहता है? बना रहता है। हालेलुया। और अगर इसकी हम 15 आयत में ऊपर देखें तो वहां पर लिखा है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। नेचुरली हम जिस चीज से ज्यादा प्रेम रखेंगे उसी चीज से हमारा जो वास्ता है ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन से प्रीति रखेंगे तो परमेश्वर के वचन से हमारा वास्ता ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, यानी कि परमेश्वर के लोगों से हमारा जो है वास्ता ज्यादा पड़ता चला जाएगा। लिखा है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, वर यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। सो इसलिए हमें नाशवान चीजें जो नष्ट होने वाली हैं, जो खत्म होने वाली चीजें हैं, उनको कभी भी जो है उन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, उनसे कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए, उन पर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, उन पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। मानिए तो उन सारी नाशवान चीजों से हमें कभी भी प्रीति नहीं रखनी चाहिए, कभी भी उनसे प्रेम नहीं रखना चाहिए। जब हम संसारिक थे, जब हम दुनियावी थे, हम इन सारी चीजों से प्रेम रखते थे, जो हमें अच्छा लगता था वही हम बोलते थे, जो हमें सुनना अच्छा लगता था वही हम सुनते थे, हम फिल्मी गाने भी सुनते थे, हम जो फिल्में भी देखते थे, 3-3 घंटे की मूवीज भी देखते थे, 3-3 घंटे की जो फिल्में भी देखते थे, गंदे गाने सुनते थे, गंदे गानों पर डांस करते थे, यानी कि इन सारी संसारिक अभिलाषाएं जो हमारे दिल को अच्छी लगती थी, हमारे मन को अच्छी लगती थी, हम उन्हीं पर अपना भरोसा टिका लेते थे, हम उन्हीं चीजों से शांति पाने की कोशिश करते थे। सो हमें जब संसार में थे तब हम करते थे, पर अब हम संसार में के नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है तो अब हम संसार के नहीं, बल्कि अब हम किसके हैं? उस जीते परमेश्वर के हैं। अगर हम पहला अध्याय उसकी 14 आयत में लिखे तो वचन क्या कहता है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी
अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सो वचन क्या कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान। किसके समान? अन आज्ञाकारी बालकों के समान नहीं, बल्कि आज्ञाकारी बालकों के समान, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन की पतिति करते हैं, जो वचन के पीछे चलते हैं, उन बालकों के समान अपनी अज्ञानता की समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। इसका मतलब क्या है कि अब भी हम आज्ञाकारी बालकों के समान, यानी कि जो परमेश्वर के वचन की प्रतीति करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उन बालकों के समान, उन प्रभु के बच्चों के समान, उन प्रभु के संतान के समान, अपनी अज्ञानता के समय। इसका मतलब क्या बना? उस समय जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, उस समय जब हमें परमेश्वर ने चुना नहीं था, उस समय की बात जब हम परमेश्वर को जानते ना थे, उस समय की बात जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते ना थे, उस समय की बात जब हमें किसी ने प्रभु के बारे में बताया नहीं था, तो प्रभु का दास क्या कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी उस अज्ञानता के समय कि पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जब हम प्रभु को जानते नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम जानते ही नहीं थे कि प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़कर अपनी जान कुर्बान की है। उस समय की पुरानी जो हम अपनी अभिलाषाओं में पड़े होते थे, अपनी लालसाओं में पड़े होते थे, हमें बस यही होता था कि हमें जीवन मिला है अपने ही भोग विलास के लिए मिला है, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के मिला है, हम जो मर्जी चाहे वो करें, हम जैसा मर्जी हमारे दिल को चाहता है, हमारे मन को भावता है, हम वैसा ही करें। तो प्रभु का दास क्या कहता है कि अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो, यानी कि जैसे तुम पहले चलते थे उस समान तुम अभी ना चलो, क्योंकि तुम मसीह के पास आ चुके हो। हालेलुया, मसीह की मोहर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, तुम मसीही अब कहलाते हो, तो तुम्हें उन पुरानी जो है अभिलाषाओं के समान नहीं बनना। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए परमेश्वर के समान बनना है। हालेलुया, वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया, मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं कि अपने दिल की इच्छा को पूरा करना, मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं कि अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करना, बल्कि हमने उन पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य नहीं बनना। वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे ही पवित्र बनो। हालेलुया, मतलब परमेश्वर ने हमें बहुत बरकत दी है, हमें बहुत आशीष दी है, हमें संसार की कितनी बड़ी भीड़ में से परमेश्वर ने अपनी आंख को हम पर लगाया है, अपनी नजरें हम पर बढ़ाई हैं, हमारे घराने में से हो सकता है हम पर ही लगाई हो, हमारे परिवार में से हो सकता है हम पर ही लगाई हो सकता है हमारे मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों पर सिर्फ परमेश्वर ने हम पर ही अपनी नजर लगाई हो, तो कितनी हमारे लिए एक अच्छी और बढ़िया, एक खुशखबरी की बात है कि परमेश्वर ने हमको कितनी आशीष दी है। हालेलुया, उसने हमें अपनी संतान करके बनाया है, यानी कि अपनी संतान परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें एक बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी है कि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता करें, हम परमेश्वर के वचन की प्रतीति करें, हम परमेश्वर के वचन की पालना करें, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। सो ये परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है कि अगर हम खुद बच गए हैं, हम दूसरों को बचाएं। हालेलुया, यानी कि अपनी पुरानी अभिलाषाओं को खत्म करके हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। सो उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही उसकी आज्ञाकारिता कहलाता है, उसके वचन की पालन करना ही आज्ञाकारिता कहलाता है। सो आज्ञाकारी बालकों के समान हमने उस अज्ञानता के दिनों में जब हम अंधेरे में थे, हमें रोशनी के बारे में पता ही नहीं था कि रोशनी कौन है, हमें पता ही नहीं था कि जीवन की ज्योति कौन है, हमें पता ही नहीं था कि जीवन की रोटी कौन है, उस समय की अज्ञानता की समय की पुरानी अभिलाषाओं को हमने क्या करना है, उसके समान नहीं बनना, बल्कि आज जो हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर की सच्चाई हम पर है, तो हमने किसके समान चलना है, उसी चीज के समान चलना है। हालेलुया, पहला पत्रस 2:11 आयत में भी देखिए क्या कहता है वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ,
प्रभु का दास क्या कहता है कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। परमेश्वर के सेवक कलीसियाओं से विनती करते हैं, उनसे निवेदन करते हुए क्या कहते हैं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रभु का दास कलीसियाओं से आज हम सबसे क्या विनती करता है कि तुम अपने आप को परदेशी जानकर, हालेलुया, किसके समान जानकर, परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं उनसे क्या करो, बचे रहो। परमेश्वर का सेवन विनती करते हुए क्या कहते हैं कि तुम परदेशी हो, तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। जब एक किराएदार किसी मकान मालिक के पास घर लेने के लिए जाता है, वो 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल तक वहां पर रहता है, वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अपना घर है। हालेलुया, वो क्या सोचता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो दूसरा ही होगा, मैं तो यहाँ पर कुछ समय काटने के लिए आया हूँ, तो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ मैं कुछ समय यहाँ पर रहने आया हूँ। यानी कि वो एक परदेशी की तरह, एक यात्री की तरह उस मकान में रहता है। एक अच्छा किराएदार कभी भी अपने मकान मालिक की जो चीज हड़पने की कभी कोशिश नहीं करता, बल्कि वो ये सोचते हुए कि हम अपनी इच्छा से इस दीवार का कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से इस मकान में लगे दरवाजों का कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से इस मकान की चीजों को अदल बदल नहीं कर सकते। सो उसी प्रकार परमेश्वर का सेवक क्या कहता है कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अपने आप को यात्री जानो। परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, सदा तक रहने का जीवन नहीं दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने किसी की उम्र कम, किसी की उम्र ज्यादा, किसी की उम्र बड़ी, किसी की उम्र छोटी यहाँ पर नियुक्त करके रखी है। वचन कहता है कि तुम्हारे दिनों और तुम्हारे महीनों की गिनती भी परमेश्वर के पास लिखी है। हालेलुया, सो हमें उसी तरह इस चीज को याद रखते हुए कि मैं सदा तक इस संसार में रहने वाला नहीं, सदा तक मेरा डेरा यहाँ पर नहीं है, कभी भी परमेश्वर का बुलावा आ सकता है, कभी भी परमेश्वर की आवाज आ सकती है कि आपका यहाँ पर संसार में रहने का समय जो है समाप्त हुआ। हालेलुया, सो हमें अपने आप को यात्री समझकर यहाँ पर रहकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो हमारे आत्मा से युद्ध करती है, प्रभु का सेवक कहता है कि बचे रहो। हालेलुया, प्रभु का दास कहता है कि हमें यहाँ से खुद बचना है। हालेलुया, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक नहीं है, हमारी नागरिकता मसीह यीशु में सच पूछिए तो स्वर्ग में है। हालेलुया, अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं, इंडिया की नहीं है, किसी दूसरे बाहर के देश की नहीं है, हमारी नागरिकता प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में है। हालेलुया, हम अपने को परदेशी जानकर, अपने आप को यहाँ पर यात्री जानकर संसार की बुरी अभिलाषाओं से, बुरी लालसाओं से हमें क्या रहना है, परे रहना है, दूर रहना है, यानी कि उनकी नजदीकी से हमें दूर ही रहना है, वो हमारे पास भी खटकनी नहीं चाहिए। हालेलुया, जो हमारी आत्मा को नष्ट करती हैं, जो हमारी आत्मा को बुरे रास्ते पर लेकर चलती हैं, उन सारी चीजों से हमने क्या रहना है, दूर रहना है, उन सारी चीजों से हमें परे रहना है जो हमें नरक के रास्ते पर लेकर चलती हैं। ऐसी सारी सांसारिक अभिलाषाओं से प्रभु का दास क्या कहता है कि तुम बचे रहो। हालेलुया, वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, उसे सच पूछिए तो कुछ भी लाभ ना होगा। सो हमें इन बुरी लालसाओं से क्या रहना है, खुद बचना है, खुद अपने आप को संभालना है, खुद अपने परिवार को हमें इन बुरी लालसाओं से क्या करना है, संभालना है, अपने आप को बचाना है। सो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप संसार की बुरी लालसाओं को छोड़ें। प्रभु शैतान कभी इस बात से खुश नहीं होता कि आप संसारिक अभिलाषाएं आपके जीवन से दूर हो जाएं। शैतान कभी भी इस चीज से आपसे पसंद नहीं होता कि आप संसार की बुरी लालसाओं को पूरी तरह अपने जीवन से त्याग दें। वे चाहता है कि अगर आपने मसीह को कबूल कर लिया है, मसीह की सच्चाई को अगर आपने जान ही लिया है, तो आप एक तरफा जीवन ना जिए। हालेलुया, बल्कि वो उसका कहना ये है, उसका मानना ये है, और वो यही सभी से चाहता है, अगर आपने मसीह को कबूल कर लिया है, मसीह को पहचान लिया है, तो आप क्या करें, मिक्स करके जीवन चले, यानी कि संसार को खुश करने वाला जीवन भी, यानी कि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को
वैसे इच्छा पर चलने वाला भी जीवन जिए और परमेश्वर की भक्ति भी साथ साथ करते जाएं। वो चाहता है कि आप फिल्मी गीत भी खूब गाया करें और मस्ती गीत भी कभी कभी गा लिया करें, तो इसमें बुरी बात नहीं। सो हमें इन सारी चीजों से खुद ही बचना है। ये सारी चीजें, ये सारी शारीरिक अभिलाषाएं हमारे सामने आएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर हमें खुद ही इन सारी चीजों से बच निकलना है। सो प्रभु का दास कहता है, ऐसी संसारिक अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती हैं, उनसे क्या करना है, बचे रहो। हालेलुया। काफी मसीह लोग क्या करते हैं, मसीह भजन भी गाते हैं, जब चर्च में जाते हैं, जब प्रेयर में जाते हैं, जब प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, कन्वेंशन में जाते हैं, मसीह भजन भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, पर दूसरी तरफ क्या देखा जाता है, वो फिल्मी गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, वो फिल्मी गाने भी बहुत अच्छी सुर में गाते हैं, फिल्मी गाने भी बहुत अच्छी आवाज में गाते हैं, वो गंदे गाने भी सुनना पसंद करते हैं, वो गंदे चुटकुले सुनना भी पसंद करते हैं, वो गंदे चुटकुले बोलना भी पसंद करते हैं। सो शैतान चाहता है कि अगर आपने मसीह को कबूल कर लिया तो आप मिक्स करके जीवन जियो। और वो ये भी अच्छी रीति से जानता है, क्योंकि अगर आप शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े रहे, अगर आपने संसारिक बातों को जो पहले आपके जीवन में थी, उन अज्ञानता के दिनों में थी जब आपको ज्ञान नहीं था, अगर आप उन सारी चीजों को अभी भी पकड़े रहोगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हालेलुया। यानी कि वो अच्छी रीति से जानता है कि शारीरिक अभिलाषाएं जो होती हैं, जो आंखों की अभिलाषाएं होती हैं, वो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं। हालेलुया। वो चाहता है ताकि आप परमेश्वर से अपनी दूरी बना लें और आप पाप में पड़ जाएं और आप फिर परीक्षा में पड़ जाएं। और काफी लोग परीक्षा में पड़कर जिन्होंने अपने शरीर की, अपने जीवन की बहुत सारी हानि भी उठाई है। हालेलुया। आपने बाइबल में से आदम और हवा के बारे में देखा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बाइबल के जानकर अच्छी रीति से इस स्टोरी को जानते हैं जो परमेश्वर ने आदम और हवा की पहली सृष्टि करी थी, पहले आदम और हवा की रचना करी थी। परमेश्वर ने उनको एक फल खाने के लिए मना किया था और शैतान ने जो हवा को आके बड़े अच्छे ढंग से बहका दिया। और आप सब बाइबल के जानकर अच्छे ढंग से जानते हैं कि शैतान की बहकाई में जब हवा गई तो उसने अपनी शारीरिक अभिलाषा से, अपनी आंखों की अभिलाषा से उस फल को तोड़कर खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और उसने साथ ही साथ अपने पति को भी, आदम को भी खिला दिया। और बाइबल के जानकर अच्छे ढंग से जानते हैं कि वो परमेश्वर की हजूरी से दूर हो गई, यानी कि परमेश्वर से उनकी क्या होगी, दूरी होगी। परमेश्वर से जो प्रेम करते थे उससे वो दूरी होगी, परमेश्वर से जो उनका मिलना जुलना था, परमेश्वर से जो उनकी बातचीत थी, उन सारी चीजों से वो क्या हो गए, दूर हो गए। सिर्फ किस चक्कर में आके, शारीरिक अभिलाषाओं में आकर, आंखों की अभिलाषाओं में आकर उसने वो जो फल तोड़ के खाया, इससे परमेश्वर ने उनको अन आज्ञाकारिता जान करके, जो पाप में फंस चुके थे, परमेश्वर ने उनको सजा भी दी। हालेलुया। बहुत सारे संसार में भी आज ऐसे लोग हैं जो शारीरिक अभिलाषों में बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को बिल्कुल पूरी रीति से अपने जीवन में पीछे करके अपनी इच्छाओं को, संसारिक अभिलाषाओं को आगे रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। आपने यूसुफ के बारे में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, बड़े अच्छे ढंग से सुना होगा, परमेश्वर के अभिषेक सेवकों से यूसुफ के बारे में जो बहुत ही उसका बाइबल में जिक्र किया जाता है, बाइबल के जो प्रचारक है उसका बड़े अच्छे ढंग से जिक्र करते हैं, उसकी स्टोरी को बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं, जो आपने पढ़ी भी होगी। सो यूसुफ के सामने ऐसे ऐसे भी मौके आए कि वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में, अपनी आंखों की अभिलाषाओं में पढ़कर अपने पूरे के पूरे जीवन को समाप्त कर सकता था, यानी कि अपने दर्शन को, जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, परमेश्वर ने जो उसको सपना दिखाया था, परमेश्वर ने उसको विजन दिया था, उसको पूरी तरह से खत्म कर सकता था। पर बाइबल के जानकर अच्छी रीति से जानते हैं कि यूसुफ शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं पड़ा, वो आंखों की अभिलाषा में नहीं पड़ा, उसने अपनी शारीरिक अभिलाषा को बिल्कुल पीछे कर दिया, उसने अपनी आंखों की अभिलाषा को पीछे कर दिया, तभी परमेश्वर ने उसको आगे जाकर कितना फलवंत किया, कितना उसको बढ़ाया। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों को कभी भी शारीरिक अभिलाषाओं को आगे नहीं रखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की जो इच्छा है
उसको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, उस परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर यूसुफ के उल्ट हम शिमशोन को देखें, जो अपनी शरीर का अभिलाषा में पढ़कर, जो अपनी आंखों की अभिलाषा में पढ़कर, जिसने अपने जो परमेश्वर का नाजीर कहलाता था, परमेश्वर का चुना हुआ कहलाता था, उसने अपने जीवन को शारीरिक अभिलाषा में पढ़कर बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। सो बाइबल के जानकर अच्छे ढंग से जानते हैं, अच्छी रीति से जानते हैं कि उसका किस रीति से नाश हुआ। सो हमें कभी भी शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि परमेश्वर ने जो हमें विजन दिया है, परमेश्वर ने जो हमें दर्शन दिया है, परमेश्वर ने हमें क्या वायदा हमसे किया है, परमेश्वर हमारे जीवन में वायदों को तभी पूरा करेगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। काफी लोग संसार में ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे को अच्छा विजन दिखा दिया, परमेश्वर ने मेरे को अच्छा स्वप्न दिखा दिया, परमेश्वर ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने मेरे साथ वचन में वायदा किया है, वो चाहते हैं मैं जैसे मर्जी चलूं। परमेश्वर ने इब्राहिम वाली, इसहाक वाली, यकूब वाली आशीष मेरे जीवन में अपने आप ही दे देनी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं, अगर आपने परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया है, तो वो आशीषें आपको बिना वचन के नहीं मिलेंगी। वो परमेश्वर अगर आपके साथ वायदा करके उस वायदे को पीछे भी मुकर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की आशीषें उन आज्ञा के साथ हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो परमेश्वर के जो प्रॉमिस है, परमेश्वर के जो वायदे हैं आशीषों के लिए, जो आपके जीवन में देने के लिए, वो कभी भी आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे। हालेलुया। सो जकई के बारे में आप अच्छे ढंग से जानते हैं, नए नियम की किताब में जकई ने अपनी अभिलाषाओं को खत्म कर दिया। उसने कितना अन्याय करके लोगों से धन लूटा था, धन कमाया था, धन को जोड़ा था, पर जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए, तो उसने क्या कहा, मैंने जो अन्याय करके कमाया है मैं चौगुना करके वापिस कर दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर उसकी इस बात से कितने खुश हुए कि इसने अपनी शारीरिक अभिलाषा के साथ जो धन कमाया था और ये व्यक्ति कह रहा है उसको चौगुना करके वापस कर दूंगा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। अगर हम याकूब का घर पहला अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में देखिए वचन क्या कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जी, वचन क्या कहता है कि परंतु हर एक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया, कोई भी व्यक्ति है जो परीक्षा में पड़ता है, अपनी ही शरीर का अभिलाषाओं में जब वो फंस जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसकी तरफ खींच जाता है, तो वचन कहता है कि वो अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर किस में पड़ता है, परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा जो उसके जीवन की होती है वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप जब उसके जीवन में बढ़ जाता है तो वह क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी कि मृत्यु को उत्पन्न करता है। सो वचन क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में पढ़कर, जब उसकी शारीरिक अभिलाषा होती है, जो आंखों की अभिलाषा होती है, वो उसमें ही खींचकर उसको ही अपनी आंखों के सामने रखकर, यानी कि परमेश्वर के वचन को पीछे रखकर, परमेश्वर ने जो उसको विजन दिया है उसको पीछे रखकर उन अभिलाषाओं में खींच जाता है, उस व्यभिचार में खींच जाता है, और उसमें क्या करता है, फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है, और परीक्षा जब गर्भवती अभिलाषा जब गर्भ होती है तो वो पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है इंसान के जीवन में तो मृत्यु को इंसान के जीवन में उत्पन्न करता है, यानी कि उस नरक की मृत्यु को उसके जीवन में उत्पन्न करता है। जब एक इंसान पाप में पाप कर जाता है, पाप में पड़ जाता है, पाप उसके जीवन में बढ़ जाता है, तो वो उसको नरक के रास्ते के लिए तैयार करता है। हालेलुया।
सो फिर काफी लोग ऐसा कहते हैं जब वो परीक्षा में पड़ जाते हैं, जब वो पाप को अपने जीवन में बढ़ावा देते रहते हैं, पाप उनके जीवन में अनगिनत हो जाते हैं कि जिसकी गिनती नहीं होती, इधर भी पाप उधर भी पाप, सुनने का पाप, बोलने का पाप, काम करने का पाप, चलने फिरने का पाप, आंखों से देखने का पाप, यानी कि जब उसके जीवनों में इतने पाप बढ़ जाते हैं, फिर लोग क्या कहते हैं कि हमें मसीह में आकर कुछ भी नहीं मिला, हमें मसीह ने कुछ भी सुख नहीं दिया, मसीह में आकर हमें कुछ भी चीज की प्राप्ति नहीं हुई। काफी लोग कहते थे मसीह में आओगे ऐसा होगा, काफी लोग कहते थे मसीह में आओ ऐसा होगा, काफियों ने गवाही दी थी कि वैसा हुआ ऐसा हुआ, हमने भी यही सोचा था कि ऐसा ही होगा, हालेलुया। पर काफी लोग अपनी जब अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं, उन सांसारिक अभिलाषाओं को अपने जीवन में छोड़ते नहीं, तो वो फिर काफी लोगों को जब प्रभु में आकर कुछ नहीं मिलता, कोई शांति नहीं मिलती, कोई खुशी नहीं मिलती, तसल्ली नहीं मिलती, कोई बरकत नहीं मिलती, कोई आशीष नहीं मिलती, फिर लोग क्या कहते हैं कि हमें मसीह के पास आकर कुछ नहीं मिला, हमें मसीह के पास आकर कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। काफी लोग इस तरीके से परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं, पर वो अपनी जो शारीरिक अभिलाषाओं को है उसको नहीं छोड़ते। परमेश्वर का चाहता है कि आप क्या करें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, उसके वचनों पर चलें, तभी ये सारी आशीषें आपके लिए हैं, तभी ये बरकतें सारी आपके लिए हैं, तभी इस वचन के, इस बाइबल के प्रॉमिस परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अगर आप उसकी आज्ञा में होकर चलेंगे। क्योंकि काफी लोग परमेश्वर की आज्ञा पर ना चलकर वो अपनी ही इच्छाओं के साथ चलते हैं, जब अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो उनको परमेश्वर में आकर, मसीह में आकर, वचन को पढ़कर कुछ भी नहीं मिलता, हालेलुया। क्योंकि वो वचन को पढ़ तो लेते हैं, वचन को सुन तो लेते हैं, पर वचन जैसा बताता है उसको फॉलो नहीं करते, हालेलुया। काफी लोगों को हम देखते हैं वे परमेश्वर में आ जाते हैं, अपने आप को मसीह कहलाना शुरू कर देते हैं, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि फलाना फलाना मसीह, अपने आप को जो दुनिया के सामने प्रकट करना शुरू कर देते हैं कि हम मसीह के बन गए हैं, हम चर्च जाने वाले हैं, वो सफेद कपड़े पहन के संडे को अपने घरों से निकलते हैं, उनके आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है कि ये चर्च में जाते हैं, ये मसीह के बन गए हैं, पर उनका आंतरिक जो जीवन है, अंदर का जो जीवन है, अंदर की जो लालसाएं हैं वो वैसी की वैसी ही है, हालेलुया। पर उनके रंग ढंग वैसे के वैसे होते हैं, उनके जीवन का चाल चलन वैसा ही होता है, उनके मुंह की बोलबानी वैसे ही होती है, यानी कि उनकी जो शारीरिक लालसाएं होती हैं वो वैसी की वैसी ही होती हैं। बेशक वो अपने आप को मसीह का कहलाना शुरू कर देते हैं, बेशक वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का कहलाना शुरू कर देते हैं, पर जब तक वो अपनी शारीरिक लालसाओं को खत्म नहीं करते, याद रखिए उनको परमेश्वर से, मसीह से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखिए वचन क्या कहता है, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। किन दिनों में आएंगे? अंतिम दिनों में। पियो, ये अंतिम समय चल रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, परमेश्वर की आमद नजदीक है, तो वचन कहता है कि अंतिम दिनों में हंसी करने वाले, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जो किसकी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे? अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। उनको परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के वचन से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, वो अपनी ही जैसी लालसाएं, जैसी ही अपनी सांसारिक अभिलाषाएं पहले रखते थे, वैसे ही चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, और ऐसा ठट्ठा करते हुए, मजाक करते हुए बोलेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। आप कहते थे हमारा प्रभु यीशु आएगा, बादलों पे आएगा, हमें उठाकर ले जाएगा, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं तब से सब कुछ वैसा ही है, जैसा सृष्टि के आरंभ से था, जैसा सृष्टि की शुरुआत से ही था। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते कि इस संसार का कभी अंत होगा, वो इस बात पे कभी भी यकीन नहीं करते, कभी भी विश्वास नहीं करते कि इस संसार का अंत होगा, यानी कि अंतिम समय जो है चल रहा है। वे इस
बात पर विश्वास नहीं करते कि मसीह लोगों का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। वो प्रभु के लोगों को क्या करेंगे, ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे। आप तो कहते थे हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जैसे आज से काफी साल पहले भी काफी जगह पर ऐसा बोला गया था कि 2008 में, 2010 में, 2000 इतने में, 2000 इतने में संसार का अंत होने वाला है, दुनिया नाश होने वाली है, संसार खत्म होने वाला है। तो इस तरीके के लोग क्या करते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। उनको मसीह के लोगों का न्याय जो होना है उनसे कोई भी लेना देना नहीं, यानी कि वो सोचते हैं मसीह लोगों का संसार का न्याय नहीं होगा। उनको इस बात पे यकीन नहीं रहता कि प्रभु यीशु मसीह जिनकी ये भक्ति करते हैं, जिसके लिए ये अपनी तैयारी कर रहे हैं आत्मिक उसके दुल्हन बनने के लिए, वो क्या करेंगे, उनका सोचेंगे कि इनका न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। ये यूं ही बोलते रहते हैं, यूं ही ढोल बजाते रहते हैं, यूं ही वचनों में बोलते रहते हैं हमारा प्रभु यीशु आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, बादलों पे आएगा, स्वर्ग से आएगा, हमें उठाकर ले जाएगा। तो अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे और जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे तुम वहां उसके आने की प्रतिज्ञा कहां रही। जो लोग बुरी लालसा में जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग बुरी अभिलाषाओं में अपने जीवन को गुजारते हैं, उनको परमेश्वर के अंतिम जो दिन होने हैं, जो न्याय परमेश्वर की तरफ से होना है, उसका सोचना उनको पसंद नहीं होता। वो सोचते हैं हमें आज का दिन मिला है, ये साल मिला है, ये महीना मिला है, ये दिन मिला है, ये हफ्ता मिला है, अपनी ऐश प्रस्ती में गुजारो। न्याय कहाँ, क्या होगा, किसका होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उनको इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं होगा, बल्कि वो अपनी पूरे भोग विलास में, अपनी पूरी बुरी लालसाओं में ही जीवन को व्यतीत करते हैं। पत्रस प्रभु का सेवक हमें सलाह देता है कि हम अपना शेष जीवन, अपना बाकी जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, जो संसार की अभिलाषा है, मनुष्य हमसे हमने देखकर खुश होते हैं कि आप खूब सजावट किया करो, खूब डेकोरेशन किया करो, खूब श्रृंगार किया करो, खूब आप गाने गाया करो, अपने घर में गाने लगाया करो, आप ये त्योहार मनाया करो, आप ये दिन को माना करो, आप उस दिन को माना करो, यानी कि मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वह परमेश्वर की इच्छा से ही अपने दिनों को व्यतीत करो। प्रिय लोगों, आपका और मेरा कुछ पता नहीं कि परमेश्वर का बुलावा कब हमें आ जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल चुकी है। सो पत्रस प्रभु का सेवक हमें ये सलाह देता है कि हम अपना बाकी जो जीवन हमारे पास रह गए हैं, कितने साल रह गए, कितने महीने, कितने दिन, कितने हफ्ते रह गए हैं, कितने पल हमारे पास रह गए हैं, हम उन दिनों को, उन महीनों को, उन पलों को, उस समय को क्या करें, मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम अपने दिनों को व्यतीत करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबका न्याय करना है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। सबका न्याय होना है, धर्मी लोगों का भी न्याय होना है, और जो दुष्ट के लोग हैं, जो शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, उनका भी जो है तय होना है, सबका न्याय होना है। आजकल कितने मसीही लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चर्च जाते हैं, जो चर्च उनको अच्छा लगता है, जो चर्च बिल्डिंग उनको अच्छी लगती है, जहाँ के पंखे अच्छे लगते हैं, जहाँ की डेकोरेशन अच्छी लगती है, जहाँ की सजावट अच्छी लगती है, वो अपनी इच्छा से वो चर्च में जाना पसंद करते हैं। जहाँ उनको कपड़े पहनने के लिए कोई कुछ ना कहे कि आप कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा हार श्रृंगार करते हैं, उनको वो क्या करते हैं, जहां पर उनकी चाहवान लोग हों, यानी कि उनके पसंदीदा लोग हों, उनके मुताबिक चलने वाले लोग हों, लोग आजकल के मस्ती लोग भी वैसे ही चर्च में जाना पसंद करेंगे, वैसे ही कपड़े पहनना पसंद करेंगे, जैसे मर्जी हम कपड़े पहने, हमें कोई रोके ना, हमें कोई टोके ना, वो अपने हिसाब से चर्च में जाएंगे, हमें कोई पूछे ना कि हम चर्च में किस समय जा रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, हम अपने समय से चर्च में जाएंगे, हमें कोई पूछने वाला ना हो, हमें कोई समझाने वाला ना हो, हमें कोई बताने वाला ना हो, जहां उनके पसंद की बातें बोली जाएं, जहां उनके पसंद की भविष्यवाणियां की जाएं, वहां पर आजकल लोग जाना पसंद करते हैं कि मेरे मुताबिक चर्च चले, मेरे मुताबिक पास्टर साहब चले, मेरे मुताबिक चर्च के विश्वासी लोग चले, मेरे मुताबिक चर्च के सेवादार चले,
परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ना चले, वो चाहते हैं कि हमारे मुताबिक चले, जैसा हमें पसंद है वैसा चले, जैसे हमें कपड़े पहनना पसंद है, कोई हमें उन कपड़ों के बारे में कुछ ना बोले। हम अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से बाइबल पढ़ना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जब मर्जी चर्च से उठना चाहते हैं, हम उठे, हमें कोई रोके ना, हम जब मर्जी अपने चर्च में जाके बैठे, हमें कोई टोके ना। सो अगर हम दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उसकी 3 और 4 में देखिए क्या वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, कैसा समय आएगा, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है वैसा वचन ना सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे प्रचारक, अपने लिए बहुत सारे उपदेशक, अपने लिए बहुत सारे प्रॉफेट, अपने लिए बहुत सारे प्रेरित क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे, उनको बटोर लेंगे, उनको खोज कर लेंगे, यानी कि उनके पास चले जाएंगे। कैसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे, अपने कानों की खुजली के कारण वो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार, जैसा वो चाहते हैं, अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा उनकी इच्छा के अनुसार कोई चलता है, वैसे उपदेशक क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे, जो उनके पसंद की भविष्यवाणियां करे उनको बटोर लेंगे, जो उनके पसंद का वचन सुनाए उनको बटोर लेंगे, जो उनके पसंद की बातें सुनाए उनको बटोर लेंगे, जो उनके पसंद के चुटकुले सुनाए उनको बटोर लेंगे, जो उनके पसंद के गाने गाए उनको बटोर लेंगे, यानी कि जो उनका दिल चाहता है वो अपने लिए वैसे ही उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, और अपने कानों को क्या करेंगे, सच्चाई से फेरकर, सत्य से फेरकर कथा कहानियों के ऊपर लगा लेंगे। जब लोग सत्य को, सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे, वो अपनी ही पसंद की बातें सुनना पसंद करेंगे, अपनी ही पसंद की भविष्यवाणियां सुनना पसंद करेंगे, अपने पसंदीदा जो वचन बाइबल में से उनको पसंद हो, आशीष वाला वचन हो, उनको ही सुनना पसंद करेंगे। तो ऐसे उपदेशक अपने लिए वो क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। हालेलुया। पर जो असली मसीह के लोग होते हैं, जिन्होंने परमेश्वर से बरकत पानी है, जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो चाहते हैं कि परमेश्वर के सेवक जो हमारे अंदर की कमियां हैं वैसा वचन सुनाए। बहुत सारे लोग हैं जो वचन से पहले ऐसी प्रार्थना प्रभु से करते हैं, ऐसा मन में बोलते हैं कि प्रभु जी आज ये वचन जो होने जा रहा है, आज जो तू अपना स्वर्गीय मन्ना भेजने जा रहा है, मेरे जीवन की कमी को दूर करने वाला हो। प्रभु जी जो तू मुझसे चाहता है वो मुझे सिखा, जो तू मुझे बताना चाहता है वो मुझे बता। पर जो झूठे मसीह होते हैं, जो झूठे तरह के लोग होते हैं, वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशकों को बटोर लेते हैं कि इन्होंने हमारे मुताबिक वचन सुनाना है, इन्होंने हमारे मुताबिक गाना लगाना है, इन्होंने हमारे मुताबिक चर्च का टाइम रखना है, इन्होंने हमारे मुताबिक ही हमें बताना है, इन्होंने बाहर जाके कुछ नहीं बताना। हालेलुया। बहुत कम दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जो सांसारिक चीजों के चाहवान नहीं होते, जो सांसारिक धन दौलत के चाहवान नहीं होते, जो शारीरिक अभिलाषाओं के चाहवान नहीं होते, बहुत ऐसे कम लोग हैं। हालेलुया। पर हम सबको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम प्रभु जी यहाँ पर किराए के मकान पे हैं, हम यहाँ पर एक परदेसी के समान हैं, हम यहाँ यात्री के समान हैं। प्रभु जी हम अपनी सारी संसारी अभिलाषाओं को त्याग करके परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वैसे चलने वाले बन जाएं। हालेलुया। अगर हम पहले जैसा अपने जीवन की जो अभिलाषाएं थी, जो संसारी हमारी इच्छाएं थी, अगर हम उसको अपने जीवन में अब भी बना के रखेंगे, अगर हम मसीह में आ गए हैं, तो याद रखिए आपको परमेश्वर से, मसीह यीशु से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम परमेश्वर के कहलाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीजों को अपने जीवन से त्यागना है, हमें अपनी इन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करना है। सो संसार की
अभिलाषाएं जो है मिटती जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वचन कहता है वो स्वर्गदा बना रहेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी आपका स्मरण इस दुनिया में बना रहे, आपके मोहल्ले में आपका स्मरण बना रहे, आपके परिवार में आपका स्मरण बना रहे, आपके रिश्तेदारी में आपका स्मरण बना रहे, तो वैसे चले जो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में है। हालेलुया। जब हम मसीह में आ गए हैं तो परमेश्वर ने हमें विशेष मकसद के लिए चुना है, विशेष कार्य के लिए चुना है, वरना हम इस जगत में एक कूड़ा और करकट के माने थे। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आंखों को, पवित्र नजरों को हमारे ऊपर लगाया है तो कुछ विशेष काम करने के लिए लगाया है। हालेलुया। कुछ विशेष मकसद के लिए लगाया है। यूं ही अपने जीवन को खराब ना करें, यूं ही अपनी मसीहत को खराब ना करें, बल्कि जो परमेश्वर की इच्छा है उस पर चले तो आप स्वर्गदा बने रहेंगे। हालेलुया। अगर हम उसी आयत को फिर से पढ़ें जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में लिखा था, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये सारी संसारी का अभिलाषा उस परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि संसार की ओर से है। और अब हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो। और अगर हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं तो जैसा परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, हमसे मांग करता है, हमने उसी तरह का बनना है। हालेलुया। आए हम सज्जन अपनी आंखों को बंद करें और जितने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सारी शारीरिक अभिलाषाओं को, हमारी आंखों की अभिलाषाओं को हमारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के वाणी करुणा निधान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। जैसे आज आपके वचनों से सीखा पिता कि हमें इन सारी शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी नाशवान चीजें हैं और ये एक दिन नष्ट हो जाएंगी। पर प्रभु जी, जो आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा वो स्वर्गदा बना रहेगा। होने दे पिता परमेश्वर, हम में से एक एक जन को, जितने भी इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, जब बाद में करेंगे, उन सबों के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत मांगते हैं। हम सबों को शरीर की अभिलाषाओं से पूरी तरह से दूर कर दीजिए, उन सारी नाशवान चीजों से दूर कर दीजिए जो हमें नरक के रास्ते पर लेके जाती हैं, जो हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं। पिता परमेश्वर, सारी चीजों को, इन सारी शरीर की अभिलाषाओं को हमारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर दीजिए। और पिता परमेश्वर, अगर ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा हमारे सामने ऐसे मौके लेकर आती है, तो परमेश्वर हमें यूसुफ की तरह पवित्र बनाकर चले, ताकि पिता परमेश्वर हम उन सारी चीजों के मौके को देखते हुए भी अपने आप को पूरी तरह से संभालने पाए, उस विजन को देखने पाए, उस स्वप्न को याद रखने पाए जो आपने हमें दिखाया है। पिता परमेश्वर, हम तेरे रास्तों पर चलने वाले बन जाएं, हम तेरी इच्छा के मुताबिक चलने वाले बन जाएं, उन सारी अभिलाषाओं को हम अपने जीवन से पूरी रीति से दूर कर दीजिए। क्योंकि पिता परमेश्वर, हमने जैसे आपके वचन से सीखा और जैसे हमने आपके वचन से पढ़ा कि अगर हम आपके वचन पर चलते जाएंगे, अगर हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को खत्म करते चले जाएंगे, तभी हम आपकी आशीषों के वारिस बन सकते हैं, तभी हम आपके कहला सकते हैं और तभी आप हमसे प्रेम भी करते हैं। और धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुनने वालों के लिए वचन 100 गुना करके फल लाने वाला बन जाए। और खुदावन, तेरे लोग पूरी तरह से खुदावन इस वचन पर जड़ पकड़ते हुए खुदावन अपनी सारी शरीर की अभिलाषाओं को इसी समय इसी घड़ी अपने जीवन से पूरी तरह से दूर करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रेटावा की सारी कलीसिया को, बड़े से लेकर छोटे तक खुदावन, सबको तेरे सामर्थ्य, तेरे पवित्र, तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। एक एक पर कृपा कीजिए। अगर इनमें से कोई जन बीमार है, खुदावन यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इनकी सारी बीमारी, इनकी सारी तकलीफ, इनकी सारी शरीर कमजोरी, इनकी सारी शरीर की टूटन दर्द खुदावन यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर होने पाए। इन पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर अपने बच्चों को पूरी रीति से छू करके चंगाई बख्श दो, शिफा दे दो। अगर खुदावन इनमें से किसी बच्चे का रिश्ता नहीं हुआ तो पिता परमेश्वर, जो आपने स्वर्ग से इनके लिए रिश्ता जोड़ा है, स्वर्ग से जो आपने इनके लिए जीवन साथी रखा है, वो इनसे मेल करवाइए। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, जिन बहनों के पास बच्चे की आशीष नहीं है, जो भी नहीं संतान है, वो खुदावन आप तो आशीषों के स्रोत हैं और आप
ने कहा कि बच्चे यहोवा की ओर से देन है, मेरे परमेश्वर बहनों की सभी की कोख खुदा यीशु के नाम में भर जाए, खुदा यीशु के सामर्थी नाम में उन बहनों को सुंदर स्वस्थ बच्चों की आशीष मिल जाए। हर प्रकार की रुकावट डालने वाली आत्मा, हर तरीके की तकलीफ, हर तरीके की बीमारी खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए। दुआ करते हैं प्रभु जी, जिन भाई बहनों का कोर्ट केस वह सारी कोर्ट केस में आप इनकी मदद करें, आप उनके जज वकील गवाह बन जाए पिता परमेश्वर, ताकि इनका सारा जो पारिवारिक मसले हैं, जो कोर्ट केसों में पुलिस में है खुदावन, सारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम ने निपटारा हो जाए। तेरी दया तेरी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर मांगते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए जिनके पेपर चल रहे हैं, जिनके आने वाले दिनों में होंगे पिता, सारे छोटे से लेकर बड़े तक बच्चों के, कॉलेजेस के बच्चों के, सबके सबको तेरे सामर्थी हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। सबको पेपर देने के लिए सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, अकल बुद्धि दीजिए, उनकी कलम को उनके हाथों को ब्लेस कर दीजिए, ताकि बड़े अच्छे ढंग से अपने एग्जाम को देने पाए और खुदावन सही सलामत खुदावन स्कूल में कॉलेज में जहां भी उनके सेंटर बने हैं जाने पाए, और कोई भी दुष्ट की ताकत कोरोना जैसी गंदी बीमारी उनको छूने ना पाए पिता परमेश्वर, और जो वो बच्चे ज्यादा किसी के कॉन्टेक्ट में ना रहने पाए, सब बच्चों की सही सलामत स्कूलों में जाने में और वापिस आने में निगाहवानी किया करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीष दो, बुद्धि कर समझ बुद्ध दो, ताकि तेरी इच्छा मुताबिक इस देश को चलाने पाए, और खुदावन सारे किसान जो खुदावन मसला है उनका समाधान आपके बेटे यीशु के नाम में होने में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, पेट आओ के सारे सेवादारों को, चाहे वो सीनियर कमेटी के, चाहे जूनियर कमेटी के, चाहे वो वॉलंटियर्स, चाहे मीडिया टीम, वर्शिप टीम को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में दे देते हैं, जो कितना खुदावन अपने समय का त्याग करते हुए आपकी सेवा बड़ी श्रद्धा बड़ी प्रेम से करते हुए खुदावंद आपके घर में सुबह सवेरे आपके घरों में पहुंचते हैं और शाम तक आपके काम में लगे रहते हैं, उन सबों के घरों में परिवारों में उस सेवा के बदले में बड़ी आशीष बड़ी बरकत जाने पाए। पूरे लुधियाना की, पंजाब की, हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की कलीसियाओं पर तेरे बेटे यीशु की आशीष और बरकत हमेशा हमेशा तक बनी रहे, और सारी कलीसियाएं आपकी आमद की खुदा इंतजार करने पर आपकी पवित्र दुल्हन बनकर तैयार होने पाए, और जो आपके दास आपके सेवकगण उनको तैयार करते हैं, उन सबों को भी अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करें, उनके परिवारों की कलीसियाओं की सारी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय खजानों से पूरी करें। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं, आपने नेटवर्क सिस्टम पर, मीडिया टीम पर अपनी आशीष दे ली, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी आशीष तेरे बच्चों पर मांगते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा और जलाली नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन। सो प्रभु आप सबको शांति दे, आप सबको तसल्ली दे, और सबको अपने वचन में बढ़ाए, और आप सब जन प्रभु में बढ़ते हुए प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में हासिल करने वाले होने पाए। सबको जय मसीह की।